हाय गाइस, मैं फिर से वापस आ गई एक नए व्लॉग के साथ। पहले तो गुड आफ्टरनून, मेरी आफ्टर शिफ्ट थी एंड मेरा एक केस आ गया सेप्टोप्लास्टी एंड फेस। सो आज मैं सोची कि इंस्ट्रूमेंट के बारे में नहीं बताऊंगी, आज ट्रॉली के बारे में बताते हैं। तो चलिए देखते हैं मैं क्या बताती हूँ आपको। हाय, सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ट्रॉली में कन्फ्यूजन ना हो इंस्ट्रूमेंट ढूंढने, मतलब जो ट्रॉली में रहते हैं उनको कभी कभार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि इंस्ट्रूमेंट कहाँ पड़ा है, मुझे दिख नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा जब वो हड़बड़ी हो जाता है तो ट्रॉली दिखता नहीं। सो आज मैं बता रही हूँ कि ट्रॉली को कैसे सेट करना है जिसमें हमें दिखे कि हाँ ये सामान यहाँ हो सकता है और यहीं पे मिलेगा। देखो, ये जैसे ट्रैकियोस्टोमी है, ट्रैकियोस्टोमी सेट हम लोग जनरली उसमें से कुछ निकालते नहीं हैं, बट वी नीड दीज टू सीजर्स। तो इसीलिए ट्रैकियोस्टोमी यहाँ है, तो ट्रैकियोस्टोमी के सामने ही हमें रखना है कि यहाँ रख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद ये है सेप्टोफेस, सेप्टोप्लास्टी का इसमें सारा वो रहता है, क्या बोलते हैं, एलिवेटर और सक्शन वगैरह रहता है। तो हमें पता है कि ट्रैकियोस्टोमी के बगल में फेस सेप्टोप्लास्टी का रखा हुआ है, तो सक्शन हमेशा ऐसे नहीं रहता है, सक्शन हमेशा यहाँ पर हम रखते हैं। ये इसका स्टिलेट है, स्टिलेट निकाल देंगे ताकि हड़बड़ी में हम स्टिलेट के साथ ना दें। हर एक साइज का सक्शन आता है, ये कर्व सक्शन कहते हैं, ये नेजल सक्शन है, जितना भी सक्शन है सब हम लोग ऐसे करके खोल के रखेंगे। खुल गया। अब ये सारा एलिवेटर, मैंने बताया था कि एलिवेटर सक्शन ये सब इसका है, तो ये ट्रैकेस्टोमी के बगल में है, तो हमें जो चीज़ कम यूज़ होती है उसको इस साइड लाना है, बिकॉज हम लोग जब भी ट्रॉली में रहते हैं तो बेसिकली हम लोग ये वाले एरिए में रहते हैं कि जहाँ हम लोग जिस जगह पर हम लोग रीच होता है उस एरिया में रहते हैं, तो बेसिकली उस हिसाब से, उस साइड के हिसाब से हमें ट्रॉली लगानी होती है। सो ये है स्कूप, स्कूप और ये आई डोंट नो ये क्या है, पिन टाइप का है कुछ, ये स्कूप है, ये बॉल पॉइंट है, एलिवेटर, शार्प एलिवेटर, नॉर्मल एलिवेटर, ये दोनों हैं सक्शन एलिवेटर। अब आप बोलेंगे कि सक्शन एलिवेटर मैंने यहाँ क्यों रखा, बिकॉज ये एलिवेटर भी है, सक्शन भी है, तो ये सक्शन में नहीं आएगा, ये एलिवेटर में ही आएगा। इसको लक्स फोर्सेप कहते हैं, इसका अभी काम नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमें पता है कि एलिवेटर वाले सेक्शन के बाद अब हमारा सेक्टो वाला सेट आया है, तो अब हम लोग सारे फोर्सेप्स रखना शुरू करेंगे। सबसे पहले सीजर जो कम यूज़ होता है उसको यहाँ रखेंगे, बैक बाइटिंग जो भी बहुत रेयरली यूज़ होता है, मतलब होता है, ऐसे रखेंगे कि एक दूसरे के ऊपर चढ़े ना, और चढ़े भी तो लेने में कोई दिक्कत ना हो, है ना। ये हो गया अपवर्ड कर्व, ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है, ये इसका भी यूज़ बहुत कम होता है, तो इसके ऊपर रख रहे हैं। उसके बाद अपवर्ड कर्व, फिर आता है ये क्या बोलते हैं, प्लेन इथमॉइड फोर्सेप, ये फाइन टिप वाला है, फाइन टिप वाला, ये बड़ा वाला है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो ये हम सामने रखेंगे। ये सीज़र, ये दोनों सीज़र अगर ये काम ना करे तो ये दोनों सीज़र बैकअप में है, वो हम ऊपर में रखेंगे। और सबसे मेन काम इसका है पैकिंग फोर्सेप, सबसे पहले ये लगता है तो हम यहाँ रखेंगे। फिर ये है हमारा नेजल स्पेकुलम, ठीक है, तो नेजल स्पेक्यूलम भी हम लोग यहाँ रखते हैं, इंस्ट्रूमेंट के साथ नहीं रखते। अब हमारा सेप्टोप्लास्टी का हो गया है उधर, अब हम आते हैं यहाँ, ठीक है। अब नेजल सेट में चिजल और हैमर लगता है, ये स्ट्रेट चिजल है एंड दिस इज कर्व चिजल, और ये है हैमर, तो हम हैमर को यहाँ रखेंगे, चिजल वगैरह को यहाँ रखेंगे। उसके बाद आता है ब्लेड, लिए कहाँ, हाँ ब्लेड, ब्लेड का काम भी सबसे पहले आता है, बट बिकॉज ये किडनी ट्रे में है तो किडनी ट्रे का सामान हम लोग यहाँ रखते हैं। वी हैव टू जस्ट एडजस्ट एवरीथिंग इन द वे कि हम कंफ्यूज ना हो, है ना। तो हमें जगह कम पड़ रही है तो वी विल जस्ट शिफ्ट दो दीज इंस्ट्रूमेंट्स। अब हमारी जगह बन गई, किडनी ट्रे को और घसकाएंगे। एंड दिस इज पैकिंग गॉज, ठीक है, नेजल पैकिंग करने के लिए हमें ये गॉज की रोलर पैकिंग की ज़रूरत पड़ती है,
सो हम ये टिप हटा दें क्योंकि यहाँ पे ये निकला हुआ है तो ये नोज़ में रहने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो हम लोग यहाँ से हटा दिए। एंड नोज़ का सबसे मेन चीज़ है यू हैव टू काउंट कितना है, दो तीन चार पाँच, और मैंने छः काटा और इसको मैंने बैकअप में रख दिया कि जब भी ज़रूरत पड़ेगा एक्स्ट्रा हम काट लेंगे, ये गिन के रखा जाता है। फिर ये हमने सेवलॉन ले लिया, इसमें एनएस दो, इसमें भी एनएस दो, सब में एनएस दो। ये भी नेजल पैकिंग है, ये स्पंज वाला है, इसको क्या कहते हैं, मेरोसिल, इसको मेरोसिल मैं भी भूल गई, मेरोसिल कहते हैं, ठीक है। तो ये भी हम काट के डालेंगे, बट वी हैव टू जस्ट आस्क फर्स्ट कि इसको डालना है कि नहीं डालना है। सो ये है ट्रॉली का सेटअप। अब इसके बाद अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये ट्रॉली सजाया इसने था, मैंने बस ठीक करके रखा है, सो सारा क्रेडिट गोज टू हर, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।